नारी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक सो मच फॉर कमिंग एंड मेक दिस ब्यूटीफुल इवनिंग. आप सब आए, आपका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल आए थे तो बहुत दूर से आए. और पिछले साल भी हमने सेलिब्रेट किया था, इस साल भी किया, लेकिन इस साल थोड़ा सा मूड अलग था लेकिन वो हो नहीं पाया. मेरे मन में तो ताल पटोला भरने का था और मैं वादा करता हूँ अगले साल हम ये नारी दिवस ताल कटोरे स्टेडियम में मनाएंगे. और लेकिन आप लोग थोड़ा इमोशनल कर देते हो, गलत बात है. ठीक है, आप सबसे हम हैं, ये कंपनी है, हम एक परिवार है. आप सबकी मेहनत से जो भी आज मुकाम हासिल किए हमने, वो सब आपकी वजह से किया है. वजह आप हैं, अपने आप को वजह बनाए, मुझे कभी वजह न बनाना. मेरे बस की कुछ नहीं है, मुझे हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है, मोहब्बत मिलती है, आप सबका प्यार मिलता है. अगर कोई खड़ा होकर ये कहता है कि सर मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया, तो वो आप नहीं समझ सकते कि किस हद तक यहां तक चीजें लगती है. और ऐसा दिल करता है कि मैं दुनिया में ऐसा क्या करूं कि दुनिया के हर व्यक्ति को मैं खुशियां दे सकूं. और अपने इस जीवन में खुद से वादा किया है कि जब तक जीवन रहेगा लोगों की सेवा के लिए न्योछावर रहेगा, जब तक ये जीवन रहेगा. और कभी कभी ना मैं वैसे आ नहीं रहा था, मैं आपको सही बताऊं, मुझे शर्म बहुत आती है. तो मैंने अविनाश को बोला था कि भाई देख मेरे को यार, तू समझ मैं एक बंदा हूं. ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं जिम कॉर्बेट में था, कल रात को आया हूं मैं 1 बजे, वहां पर एसओएस चल रही थी. तो मैंने कहा यार मैं ना यहां से लाइव वीडियो कर दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने कहा भाई साहब भूचाल से आता है वहां. तो फिर अविनाश कह रहा सर आपकी फोटो जरूरी है सबके साथ, तो मैं इसलिए आ गया. लेकिन मैं सोच रहा हूं जब यहां ये हालत है तो तुम ताल कटोरों में हमारी क्या हालत करोगे. देखिए नारी दिवस जब से दुनिया में मनाया किसी समझदार व्यक्ति ने, उसने बहुत बड़ा काम किया. क्योंकि कोई नहीं समझ पाता कि एक नारी शक्ति होती क्या है, क्या ईमानदारी होती है, क्या वफादारी होती है, क्या ममता होती है, क्या इमोशंस होते हैं. नारी को हमारे धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है, दुर्गा का रूप, सरस्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप. इसलिए मैं कहता हूं कभी भी किसी के पैर मत छूना, आप खुद देवी हो, हमें आपके पैर छूने चाहिए, आप जीवन में किसी के पैर मत छूना. देवियां किसी के पैर नहीं छूती है, और खासकर हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया है. तो कृपया प्लीज कोई भी अपलाइन हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा लीडर हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, आपकी गर्दन भी झुकनी चाहिए. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आप क्या हो ना ये आप नहीं जानते, हम लोग जानते हैं आप क्या हो. एक माँ का रूप हमने देखा है, एक पत्नी का रूप हमने देखा है, एक बहन का रूप हमने देखा है. आप ये बिजनेस आपके लिए कुछ भी नहीं है अगर आप अपने आप को पहचान लो तो, अगर अपने आप को आप जान लो तो कि आप हो क्या, नारी शक्ति होती क्या है, नारी के इमोशंस क्या होते हैं, उसका कंट्रोल लेवल अपने ऊपर क्या होता है, उसकी दमन शक्ति क्या होती है, उसकी वफादारी क्या होती है, उसकी ईमानदारी क्या होती है. आज समाज के अंदर मैंने बहुत देखा है, जितना भी मेरी जिंदगी का उम्र का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत देखा है कि क्या आप लोग करते हो ना कोई नहीं कर सकता. मैंने देखा है लड़कों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, लड़कियों उठा के अपने माँ बाप को लाके उनकी सेवा की. मैंने ये देखा है अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है और एहसास और महसूस किया है. आप बस एक प्रॉब्लम है आपके अंदर कि आप अपने आप को कमजोर बहुत समझते हो, आप निर्भर बहुत रहना चाहते हो किसी के ऊपर भी, आपको डर बहुत लगता है, समझ रहे हो. सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, जिस दिन ये डर खत्म हो गया और आप आत्मनिर्भर बन गए, मैं कहता हूं जो आप कर सकते हो ना वो मैं भी नहीं कर सकता.
आपके रूप देखे हैं, आपके आपके इमोशंस देखे हैं मैंने, आपकी भावनाएं देखी है मैंने। एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है और एक पिता कैसे पालता है, दोनों का अंतर देखा है मैंने। मैंने देखा है लोग शराबी हो जाते हैं, मैंने किसी माँ को शराबी नहीं देखा, मैंने आज तक किसी माँ को शराबी नहीं देखा। मैंने पिता को शराबी देखा है पर किसी माँ को शराबी नहीं देखा। शराबी पिता होने के बावजूद भी माँ कैसे भी परेशान होकर अपने बच्चे पालती है, उसे कुछ भी करना पड़े। मैंने ऐसे भी लोग, ऐसी भी नालियां देखी हैं जिनके पति निकम्मे हैं और दूसरों के घरों में जाके चौका बर्तन कर रही है। मैंने ऐसी भी देखी, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइफ का कोई भी मोमेंट आ जाए, आप हार नहीं मानते हो। आपको नहीं पता आपकी शक्तियां, मैंने मेरी उम्र में बहुत एहसास किया है। आपको नहीं पता आपकी क्या शक्तियां हैं, क्या इमोशंस हैं आपके, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति और अपने परिवार के प्रति। क्योंकि आपके जो इमोशंस होते हैं ना वो रियल होते हैं, आप लोग फेक नहीं हो, जो है सो है, आप में बनावट बहुत कम है। हाँ, आपस में बनती हो एक दूसरे से, वो बात समझ आती है। लेकिन एक जिंदगी में एक जो ग्रस्त जीवन है उसमें आप लोग बिल्कुल भी नहीं बनते, कोई बनावट नहीं होती आपके अंदर। आपके अंदर जो होता है सच होता है, जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस है ना, उसका मैं कहता हूं उसका कोई उसका लेवल ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, इस लेवल पे आप लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, इस लेवल पे आप लोग मेहनत करने को तैयार हो। क्योंकि मैंने देखा है आप किसी की किसी को दुखी नहीं देख सकते, इतना कोमल हृदय होगा नारी का, कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती और कभी किसी को दुख नहीं देती। ये सृष्टि कहते हैं नारी जगत जननी है, ये जगत, ये जग जो बना ये आप लोगों ने बनाया। अगर कोई व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं कहता हूं दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग इन दिस यूनिवर्स, मोस्ट रिस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग इन दिस यूनिवर्स। इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं अपनी कंपनी में ऐसा क्या करूं कि हमारी वुमेन्स एम्पावरमेंट हो, हमारी जो नारियां हैं वो आत्मनिर्भर बने और बहुत जल्दी जल्दी अचीवमेंट प्राप्त करें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई भी अचीवमेंट जब कोई भी लेडी लेती है ना, आई फील सो हैप्पी। मुझे पता है उस अचीवमेंट के पीछे लालच नहीं है, उसके पीछे रियल इमोशंस है। और जब ये लोग मेहनत करते हैं, रत्नामाला मैडम, अपना ऐश्वर्या, नम्रता, फिरदोस मैडम है, ये मुझे गुजरात में मिली, मुझे याद आता है। अब ये बिना माँ बाप की बेटी है, बचपन से अनाथ है, बचपन से, और जब ये कामयाब हुई ना, आप नहीं सोच सकते मैं कितना खुश हुआ था। बचपन से अनाथ है, कोई नहीं आगे पीछे, जब इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया, आई फील सो हैप्पी। क्योंकि आपकी अचीवमेंट पैसे के लिए नहीं है, आपकी अचीवमेंट भावनाओं के लिए है, आपकी अचीवमेंट इमोशंस के लिए है। आप पैसा कमा के अपने से ज्यादा अपनों के ऊपर खर्च करती है, ये मुझे पता है। इतना सच्चा दिल, इतनी सच्ची आत्मा, इतना कोमल हृदय आपके पास है, बस अब आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, बस थोड़ा आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, थोड़ा अपनी कमजोरियों को दूर, अपने आपको कमजोर किसी भी हालत में मत समझो। क्योंकि आपने तो प्रूफ किया है भाई, हम लोग तो प्रूफ नहीं कर पाते, आपने तो प्रूफ किया है कि कंडीशन कोई भी हो, मैं साथ, मैं खड़ी हूं, मैं नहीं टूटूंगी, ना माँ के रूप में, ना बहन के रूप में, ना पत्नी के रूप में, मैं नहीं टूटूंगी। आपने तो प्रूफ किया है, यू आर द प्रूवन वन। आपसे कोई बनावटी दिखावटी बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके साथ मैं कोई ऐसी बात करूं, कोई मोटिवेशनल टॉक करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने तो प्रूवन है यार, आज मैं जो भी कुछ हूं मैं रियली बताता हूं, हु इज आई एम, व्हाई आई एम दिस हियर, मैं क्यों यहां पर, सिर्फ ओनली फ्रॉम बिकॉज ऑफ माई वाइफ। अगर वो मेरे पीछे ना खड़ी होती तो आज मैं यहां ना होता। एक ऐसी लेडी जिसने मुझे कहा, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी कि 2 साल भी बताना और दुनिया जीत के आना।
उसने मुझे कहा कि मुझसे ज्यादा जो बच्चे तुमने पैदा कर दिए, जो लाखों लोगों का भविष्य है, हमारे परिवार से ज्यादा आज उनके भविष्य का सवाल है। दिन रात लगे रहना, जो क्वालिटी मार्केट में देना, कभी मत थकना। मैं बैठी हूँ, बीमार हो जाऊंगी, डॉक्टर को खुद दिखाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ये जो लाखों का परिवार बनाया, तुम इसको संभालो, ये परिवार का संभालो। क्योंकि अगर और अपनी चित पे आ जाए ना, तो पति को नचा देती। समझे? आज शेर दर्द है, आज पैर दर्द है, आज पेट दर्द है, आज गले में दर्द है, आज नाक में दर्द है। समझे? तो ये किसी ने सच कहा है, ये झूठ नहीं है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, और जितने भी दुनिया में लोग सुने इस बात को याद रखना, इस दुनिया में भाग्य लेके हम पैदा नहीं होते। मर्द कभी भाग्य लेके पैदा नहीं होता। ग्रंथों में लिखा है, पुराण में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि हमारे जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो या तो हमारी मां के भाग्य से, या बीवी के भाग्य से, या बेटी के भाग्य से। और ये कंफर्म है, आप रिसर्च कर लेना, आप देख लेना, अगर किसी व्यक्ति ने तरक्की की है तो कोई ना कोई लक्ष्मी के रूप में, या तो मां थी, या बेटी थी, या बीवी थी। तो आप हो, आप मतलब आप सबके बाप हो। जो आप हो कोई हो नहीं सकता, ठीक है? डोंट फील योर सेल्फ वीकर, अपने आप को कमजोर मत समझा करो। आपने तो प्रूव किया हुआ है, पूरी दुनिया ने प्रूव किया हुआ है, जब से धरती बनी है, सृष्टि बनी है, इतिहास गवाह है कि आपने प्रूव किया है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आज आप एसलिपियस में हैं, इसलिए हमने इस वोमेंस डे को अपना एडब्ल्यूएल प्लस डे बना दिया। क्वींस, रानियां, हमारी एसलिपियस की रानियां जो दुनिया पे एक दिन राज करेगी, जो दुनिया पे एक दिन राज करेगी। अब किसी ने कहा कि भाई एक फेसबुक पे डाल दिया, किसी ने बोला भाई सेलिब्रिटी नहीं बुला दी थी, और हमारी वुमेन्स ही अपने आप में सेलिब्रिटी है। तो मैंने अब उसको मैं फेसबुक पे तो क्या बोलता, मैं बोला भाई सेलिब्रिटी बॉलीवुड की इसलिए बुलाई कि हमारी सेलिब्रिटियों को रिकॉग्नाइज करके जाएगी, ना कि हमने भी रिकॉग्नाइज किया। ट्रॉफी देने के लिए बुलाया था, लेने के लिए नहीं। सर हमेशा बिजनेस स्टंट चलते हैं। समझे? तो ये तो कोई छोटी सी बात है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा मान सम्मान, मैं प्रॉमिस करता हूं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में होगा, बड़ी बड़ी कंट्रीज में। सर प्रॉमिस, ये आज वुमेन डे पे आपसे प्रॉमिस करता हूं, बस डोंट थिंक योर सेल्फ वीकर प्लीज। जैसे घर संभाला है ना, आज तक घर संभाला है ना, आज तक घर में कोई दिक्कत नहीं आई, हस्बैंड को पता नहीं चला, भाई को पता नहीं चला, पिता को पता नहीं चला कि घर में कैसे काम हो रहा है। जैसे घर संभाला है ना डेडिकेशन से, ये बिजनेस संभालो 5 साल बस, और बिजनेस 5 साल संभाल लो, घर संभालने वाले बहुत आ जाएंगे। बिजनेस संभालो, समझे? अब हमारी वही बात है कि परंपरा वही है कि भैया पहले बिजनेस करना, फिर घर में रोटी भी बनानी, फिर जाके कपड़े भी धोने। क्यों भाई? तुम करोड़ों रुपए कमाने का धंधा कर रहे हो, करोड़ों के प्लेटफॉर्म पे हो, वो हजारों का काम तो कोई भी कर लेता। समझ लिया होगा ना तो हजारों का काम तो कोई और भी कर लेगा। देर आर सो मेनी पीपल्स जिनको वही काम करना है, तो आप इन चक्रों में मत फंसो, ठीक है? जाके बोल दो अपने हस्बैंड को, या तो तुम दुनिया जीत लो, या मैं जीत के ले आ लूं। पर किसी को तो जीतना पड़ेगा, और दोनों ही हार गए तो परिवार हार जाएगा, और परिवार को मार देने देंगे।
Yes or no? Yes. So don't think yourself weaker. और घरेलू कामों से ज्यादा करो थोड़ा बहुत, लेकिन व्यापार को संभालो। कहते हैं जब बिजनेस समझ जाता है तो घर तो अपने आप ही समझ जाते हैं। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजनेस, आपकी भी बेटियां होंगी ना, हैं बेटियां हैं, क्या चाहते हो कि जो स्ट्रगल हम कर रहे हो हमारी बेटियां भी करें? चाहते हो ये बात? नहीं चाहते ना। जो हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हो, जो हमने किए वो हमारे बच्चे भी करें। आपको मालूम है, आपको मालूम है जिंदगी की एक सच्चाई, आप जानते हो लाइफ का एक ट्रुथ, लाइफ का ऐसा पढ़वा सकते हैं कि जिसके आज हम लोग भोगी हैं, और अगर हमने ये रिपीट कर दिया तो हमारे बच्चे भी इसके भोगी रहेंगे। जानते हो? आपको मालूम है कि आप कमजोर नहीं हो, आपको मालूम है आप वीक कर नहीं हो, आपको मालूम है कि आपका मानसिक विकास बस छोटा सा, आप छोटा सोचते हो थोड़ा सा, क्यों आप फील करते हो कमजोर? अरे इंसान कमजोर होता नहीं है, ना औरत ना मर्द, कमजोर बनाया जाता है, और वो बनाता है हमारा माहौल, जिस माहौल में हमने जन्म लिया है। गरीब घर में जन्म लिया है, मिडिल क्लास में जन्म लिया है, तो हम अपने आप कमजोर बन जाते हैं। हम कमजोर पैदा नहीं होते, हमें कमजोर बनाया जाता है। समझे? अगर हम भी अच्छे घर में पैदा होते, बचपन से फैक्ट्रियां चलाते, क्या आप लोग शोरूम नहीं संभाल सकते थे? क्या आप लोग फैक्ट्री नहीं चला सकते थे? लेकिन हमें मौका नहीं मिला, हमें ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया। आज मालूम है कि जब हम हमारे घरों में शादियां भी होती है, हमारे मिडिल क्लास घरों में शादियां होती है, तो दूल्हा नहीं ढूंढा जाता, बजट दूल्हा ढूंढा जाता। बजट दूल्हा, बजट दूल्हा, बजट दूल्हा समझते हैं कि जैसा हमारा घर ऐसे सामने वाले का घर, समझे? और जब हम अपनी बेटियों के लिए दूल्हा ढूंढते हैं तो बजट दूल्हा ढूंढते हैं। हमारी बेटियां जो दुनिया में राज कर सकती है, हमारी बेटियां जो दुनिया जीत सकती है, हमारा बजट कमजोर होने के कारण पूरी जिंदगी झाड़ू चौका बर्तन करती है। सच है नहीं? ये कड़वा सच है। ये दोबारा अगर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी हो गया तो ये हमारी फेलियर थी, ये हमारा फेलियर है। मैं मानता हूं कल तक आप घरों के उलझनों में थे, घरों के सुलझनों में थे, घरेलू थे, बिजनेसमैन नहीं थे, बिजनेस वुमैन नहीं थे, पर टुडे यू आर अ बिजनेस वुमैन। अब पहले तुम कमजोर थे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं था, अब करने को है। बनो नम्रता, बनो रॉयल डायमंड।